ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को गुजरे हुए 5 महीने हो चुके हैं। दिलीप कुमार साहब 7 जुलाई की सुबह 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दिलीप कुमार का गुजर जाना एक युग का अंत होने जैसा है। दिलीप कुमार साहब को पल पल याद करते हुए नजर आते हैं उनके चाहने वाले। इसी लिस्ट में नाम शामिल है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त रहे। वहीं अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार साहब के साथ बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग भी शेयर किया करते थे। अमिताभ बच्चन भी पल पल उन्हें याद करते हुए देखे जाते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन का दर्द छलका है। दिलीप कुमार को याद करते हुए भावुक होते हुए नजर आए हैं बिग बी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 11 दिसंबर के दिन दिलीप कुमार साहब की 99वीं जन्मतिथि थी और इस मौके पर काफी ज्यादा इमोशनल हुए बिग बी और अपने दिल की बात कहते हुए नजर आए हैं। आइए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार साहब को याद करते हुए क्या कहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब को एक बार फिर से याद करते हुए नजर आए हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। दिलीप कुमार का गुजर जाना एक युग के अंत होने जैसा है। जानकारी के लिए आपको बता दें 11 दिसंबर के दिन दिलीप कुमार साहब का 99वां जन्मदिन था। 99वें बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी तमाम फैंस और सितारों ने उन्हें याद किया और भावुक होते हुए देखे गए हैं। वहीं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग शेयर किया। इस ब्लॉग के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात कही है। अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट में दिलीप कुमार साहब की अनदेखी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को शेयर किया और लिखा, 11 दिसंबर दिलीप कुमार साहब का जन्मदिन, वह 99 साल के होते। जब भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो हमेशा इसमें दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं और दुआएं। इस तरीके से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाया है। वेल, बता दें आपको, दिलीप कुमार साहब जब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए उस वक्त बिग बी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए थे। उस दौरान भी उन्होंने कई पोस्ट शेयर किए थे और ट्विटर पर उन्होंने लिखा था, एक इंस्टीट्यूशन चला गया। जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। और आज फिर से अमिताभ बच्चन ने ऐसा ही कुछ लिखा है। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के चले जाने के बाद काफी ज्यादा दुखी हुए तो वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ भी वह उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि बिग बी ने अपने ब्लॉग के जरिए अपने दिल के दर्द को छलकाया है। दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई थी और हमेशा ही वह अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।